हेलो गाइस, ये मारुति सुजुकी अर्टिका टूर एम गाड़ी है। इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं। चारों डोर पावर विंडो ऑटो के साथ लॉक ऑन लॉक शीश को लॉक कर सकते हैं। साइड मिरर को फोल्ड कर सकते हैं। लिफ्ट स्टेबल बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है। स्पीकर मिलते हैं। राइट साइड में एसी वेंट्स। इसमें आपको सीएनजी गाड़ी है तो उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ईएसपी के और हेडलाइट लेवलिंग के। एमआईडी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किलोमीटर क्लॉक बताएगा। कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं। तो इसमें आपको सीएनजी शो करेगा, पेट्रोल शो करेगा। सीएनजी अभी हमारी गाड़ी में फुल है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, टू डी है ये। यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यूएसबी के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, दो फुल रखने का स्पेस मिल जाएगा। गियर लीवर 5/4 रिवर्स ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सीट स्पीड से ज़्यादा नहीं बकेगी गाड़ी। देखिए स्पीड लिमिट इसकी बांधी गई है। ये वाला डोर भी बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है। स्पीकर दिए गए, अपोस्ट्री बीच कलर की दी गई है इसमें। और इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं और फोनी कंट्रोल्स भी स्टीयरिंग व्हील पे ही मिल जाते हैं। देखिए यहाँ से फ़ोन उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट मोबाइल से, यहाँ से आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारे सी एयरबैग्स का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। राइट साइड में हेडलाइट के लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, रीडिंग लैम्प, IRVM, डे नाइट है, कोर राइट साइड थर्मोजर, बैटरी मिरर के साथ ग्रिप असिस्टेंट। तो फ्रंट डोर का इंटीरियर आपने पूरा देख ही लिया। चलते हैं रियर डोर का इंटीरियर भी देख लेते हैं। हेडरेस्ट इसमें दिए गए हैं, ग्रिप असिस्टेंट। ये रियर डोर का इंटीरियर। इनसाइड हैंडल क्रोम पे, पावर विंडो बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है। स्पीकर मिलते हैं। हेडरेस्ट इनमें दिए गए हैं, तीनों सीटों में हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ये थर्ड रो वाली सीटें हैं। इसको फोल्ड करके आप थर्ड रो वाली सीटों में जा सकते हैं। बोर्ड रखने का स्पेस मिल जाएगा। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे। इसमें आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक नहीं मिलेगा। और रियर के डोरों में चाइल्ड सेफ्टी लॉक नहीं मिलता है इसमें। लेगरूम बहुत ही बढ़िया है और लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। वाला डोर भी इंसर्ट डनल क्रोम पे, पावर विंडो बोर्ड लगने का स्पेस दिया गया। स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। लेगरूम बढ़िया है, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है। मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? तो फ्रंट डैशबोर्ड की लुक आप देख रहे हैं। ग्रिप असिस्टेंट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट में। चार एसी वेंट्स मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए। तो इंटीरियर पूरा आपने देख लिया। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है। ये सेकंड रो वाली सीटों में ही मिलता है आर्मरेस्ट। तो यही था इस वीडियो में। सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।